Hello and welcome to Walk the Talk. I'm Shekhar Gupta on a very rainy day in Bombay, in a place which is the home of not just Bombay, but India's cricket. And it doesn't matter if it's a rainy monsoon day. Cricket may not go on Ajinkya Rahane, but our conversation can start. Yes. Hello, sir. How are you? Wonderful to have you on Walk the Talk. I think after a long time, Bombay has batsmen in the same old Mumbai tradition. I should now say Mumbai. And I think India has a batsman in Bombay tradition. Yes, I mean, really, it's a proud moment when you represent your country. Cannot describe in words, but I really feel very proud whenever I represent my country, whenever I go onto the field and bat, field, whatever I do for my country. So it's a very big moment and proud moment for me. Ajinkya, abhi to life has changed. Now you're vice captain of the team going to the West Indies. But you were made to wait a long time for your debut. You were picked in this squad but made to wait. How did you deal with that? देखिए सर, मैंने हमेशा बिलीव किया जो जो अच्छी चीज़ होती है उसके लिए आपको वेट करना होता है हमेशा से और उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया डेब्यू करने से पहले जो वक्त मैंने बिताया टीम के साथ दो साल में लगभग टीम के साथ था डेब्यू करने से पहले बट उस चीज़ में उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया काफ़ी सारे लेजेंड्स हमारे साथ थे तो ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उस वक्त ने उस समय ने मुझे मेंटली और टफ बनाया बट अभी बीइंग अ वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम इट्स अ वेरी बिग चैलेंज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी एंड आई लव टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू एंड विराट कोहली आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन मेनी वेज येस आई मीन एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अलग अलग कैरेक्टर होते हैं विराट एग्रेसिव रह के वो अच्छा करते हैं फील्ड पर और मैं काम रह के वो पर्सनैलिटी मुझे सूट करती है बट वी ऑलवेज इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी हमारे ऑन एंड ऑफ द फील्ड हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करते हैं हमारा हमेशा से मकसद यही होता है कि हम कैसे इम्प्रूव करें और टीम को आगे ले जा सकें क्योंकि विराट से आप टैटू के मामले में तो कम्पीट नहीं कर सकते नहीं देखिए वो पसंद करते हैं टैटू रखना और मुझे बिल्कुल मतलब कभी शौक नहीं उस चीज़ का तो यस एवरीवन मैंने जैसे कहा कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है तो आपने बहुत ग्रेट्स के साथ टाइम बिताया ड्रेसिंग रूम में राहुल द्राविड के साथ जिससे आपको बहुत बार कंपेयर किया जाता है मेनी पीपल कंपेयर यू विद राहुल द्राविड ऑल दो आई थिंक यू आर डिफरेंट इन मेनी वेज बट यू ऑल्सो प्लेड विद सचिन फॉर अ लॉन्ग टाइम आई बिलीव बोथ हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन यू येस बोथ आर माई रोल मॉडल बोथ आर माई रोल मॉडल्स जैसे आपने कहा कि राहुल भाई के साथ मुझे कंपेयर किया जाता है मैंने काफ़ी बार कहा है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए हर एक की स्टाइल अलग अलग होती है बट जब भी मुझे कंपेयर करते मैं इंस्पायर होता हूँ कि इतने बड़े नाम के साथ मुझे कंपेयर किया जाता है और उनके साथ रह के मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सचिन पाजी के साथ रह के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला दोनों के साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस हुए मेरे जिससे मुझे क्रिकेट में बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे लगता है कि नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने खुद को कंडक्ट किया है और हर एक लोगों को रिस्पेक्ट किया है मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वो है बट आई बिलीव ईच वन ऑफ देम एट सम पॉइंट सेड टू यू that they see in you as somebody who can replace them individually? I mean, both of them told me the same thing that you have the potential, you have the capability to take the responsibility. और आपका जो attitude है जो इस खेल के लिए सबसे ज़्यादा important है वो आप हमेशा वैसे ही रखिए देखिए ups and downs life में होते होते आप successful रहोगे फेलियर्स आएंगे बट उस दौरान आप खुद को कैसे कंडक्ट करते हो हैंडल करते हो दैट इज वो दोनों इंसिडेंट मुझे बताओ जब राहुल से आपकी बात हुई और जब आपकी सचिन से बात हुई देखिए राहुल भाई से बात हुई जब हम चैंपियंस लीग के वक्त बैठे थे डिनर कर रहे थे एक साथ तो उन्होंने मुझे कहा कि रॉयल्स में जब मैं खेल रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि अजिंक्य मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही तो मुझे लगा कि राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर मुझे आके ऐसे कह रहे और उन्होंने तुरंत नेक्स्ट मोमेंट पर मुझे कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे टीम की तो मेरा इंस्टिंक्ट आंसर था कि यस मैं ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा क्योंकि जो उनके राहुल भाई से जब आता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और तो एक अपने आप में आपको मोटिवेट करता है और आई थिंक सचिन पाजी ने भी मुझे सेम चीज़ कही थी जब उनका लास्ट टेस्ट मैच था वानखेड़े पर वेस्ट इंडीज़ के साथ तो काफ़ी इमोशनल माहौल था और उस माहौल के दौरान उस कुछ समय बाद उन्होंने मुझे कॉर्नर में बुलाया वानखेड़े पर ड्रेसिंग रूम में and then he told me your attitude is fantastic I've been watching you
फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम जो आपको आपको मैचेस खेलने चाहिए थे या जो भी चीज़ आपके साथ अभी फ़िलहाल नहीं गई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसे ही होना है। अगर आप आपका एटीट्यूड ऐसे ही रखोगे तो ज़रूर आने वाला समय आपका होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपको लेनी है। तो ये जो दो मोमेंट्स है मेरे लिए, उस मोमेंट ने मेरी लाइफ पूरी चेंज। आपने कभी सोचा कि ये मुझे द्राविड बनना है या सचिन बनना है? नहीं, देखिए मेरे मन में हमेशा से पहले था कि मुझे अजिंक्य रहाणे बनना है। हाँ। और मुझे अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने लानी है। यस, मैंने उन दोनों लेजेंड से बहुत कुछ सीखा है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, बट अल्टीमेटली ऑन द फील्ड मेरा अपना एक ओन कैरेक्टर है, मेरी अपनी एक ओन आइडेंटिटी है। आपने जब दिल्ली में मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं भी उस दिन था देखने के लिए, डिसाइसिव जो लास्ट इनिंग्स का मैच था, अब यू लुक वेरी नर्वस। आई मीन यू वर स्ट्रगलिंग बिफोर स्टीव स्मिथ ऑन ए पिच विच वाज टर्निंग समथिंग बट यूजुअल इंडियन यूजुअल कोटला पिच। फॉर ए मोमेंट इट लुक टू मेनी ऑफ अस दैट यू डिड नॉट बिलोंग देयर। व्हाट हैपेंड दैट डे? यस, आई मीन दैट वाज अ बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी, बिकॉज डेब्यू करना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज नर्वस दैट टाइम, काफ़ी कुछ मेरे माइंड में चल रहा था एंड आई वॉन्टेड टू डू वेल इन माई डेब्यू। जैसे हर एक को लगता है कि अपने डेब्यू में अच्छा करना चाहिए, वैसे ही मेरे मन में था। एंगजाइटी लेवल काफ़ी हाई थी, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से मैं आउट हुआ, बट आई वॉज एक्चुअली हैप्पी जिस तरीके से हम लोग सीरीज जीते, 4-0 हम लोग सीरीज जीते, और वो जितना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अगेन उस डेब्यू मैच से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, एक मेरा डिटर्मिनेशन लेवल और बढ़ा, और हमेशा मेरे मन में यही था कि अगला मैच जब मैं खेलूँगा मुझे ज़रूर अच्छा करना है। तो आई थिंक आपको हर एक समय कुछ ना कुछ सिखा दे देता है। एंड फ्रॉम दैट बंडल ऑफ नर्व यू हैव नाउ बिकम अमंग द कामेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इफ आई मे से। थिंक वो मेरा एक्चुअली नेचर है, मैं हमेशा काम रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि उस नेचर के वजह से मुझे बहुत कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ फील्ड पर, अच्छे डिसीजंस ले सकता हूँ। बट ज़रूर ये जो टैग होता है, ये कुछ आप जैसे क्रिकेट खेलते जाते हो और आप कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस करते हो, टैग्स आपके पास आते रहते, बट मैं कभी इस टैग के बारे में नहीं सोचता हूँ। फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू वेल फॉर माई कंट्री एंड कीप दैट कंसिस्टेंसी गोइंग। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हम तो इंडिया में सब क्रिकेट कोच हैं, खेली हो या ना खेली हो, सो पीपल कंपेयर एवरी न्यू क्रिकेटर विद other great, but to me the closest comparison that I see for you is Hashim Amla, because you know you have a lot of technique and yet at the same time a very fluent your strike rates are very good. That's again a big name. I mean Hashim Amla has done well so far. Walking on Shivaji Park. we can use big names. So I think unhone kafi acha kiya apne country ke liye, but zarur main unki batting bhi dekhta hu जब भी वो खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के मैच चलते रहते हैं, मैं काफ़ी कुछ आपको हर एक प्लेयर से सीखने मिलता है, और उनका भी नेचर काफ़ी शांत रहता है, काफ़ी कंपोज रहते हैं ऑन द फील्ड। और आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको अपने गेम के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिफाई करना आपके गेम को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, आगे आने वाले समय कोशिश यही होगी या इंपॉर्टेंट यही होगा कि मेरी जो कंसिस्टेंसी अभी तक मैं करते आया हूँ वैसे मैं जारी रखूँ। But did you get the sense early on that more confidence could have been shown with you, in you, sir? Sir, dekhiye, as a sports person, I always believe that I can only focus on the controllable things. Aur jo mere haath mein hai, practice karna, prepare karna, and hard work karna. Bhi series se pehle, main uske upar hi zyada focus karta hu. Kya hone wala hai, ya kya ho sakta hai, ya kya ho sakta tha. वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने कभी उस चीज़ों के ऊपर कभी मैंने फोकस नहीं किया। द कैप्टन और द टीम थिंक टैंक दे वर अनफेयर टू यू बिकॉज दे थॉट यू वर नॉट दे थॉट मे बी रॉन्गली दैट यू वर नॉट ए मैच विनर इन लिमिटेड इन शॉर्टर फॉर्मेट। नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मेरे माइंड में यही था कि शायद वो समय मेरे लिए नहीं था, वो समय मेरा नहीं था, और समय हमेशा बदलते रहता, ये मैंने हमेशा से मैंने माना है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलते रहता है, तो उस समय को आपको हर वक्त रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको हमेशा से पॉजिटिवली लेना चाहिए, और उस समय से आप क्या सीख सकते हो वो आपको ज़रूरी है। तो मैंने कभी ये नहीं माना है कि मुझे कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा या ऐसे सोचना चाहिए था, मेरे मन में कभी ऐसे नहीं था। सो हाउ डिड यू चेंज फ्रॉम बीइंग ए बंडल ऑफ नर्व्स इन दिल्ली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू नाउ बीइंग द कामेस्ट प्लेयर इन इंडियन टीम?
think I went to I met Swami Parthasarathy, जो एक philosopher है. पूरी में रहते हैं. हाँ जी. उनका एक वेदांता academy में academy है लोनावला में. तो मैं उनके पास गया था and then he told me it is important to focus on the controllable things. आप result के बारे में जब भी सोचते हो you get nervous. You get that. इसके बारे में? Results. Results के बारे में. आप सोचते हो तो आप you can't control it. Yes, you cannot control it. आप nervous हो जाते हो. आपकी anxiety level बढ़ती है. पर एक चीज़ उन्होंने मुझे कही कि वे टू गेन एनी थिंग इज़ टू लूज़ इट. आपको जो चीज़ आप जो चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ आपसे और दूर भागती है. तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है उसके बारे में आप सोचो मत. उसके उस उसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो करो. वो चीज़ आपने अपने आप आपके पास आएगी. तो आई थिंक वो जो एक उन्होंने कहा मुझे इस बारे में तो आई थिंक उससे बहुत कुछ मुझे सीखने मिला. तो इतनी यंग एज में इतनी फिलॉसफी सीख ली. ज़रूर फिलोसॉफी मतलब इन जनरल क्रिकेट के बारे में भी नहीं बट लाइफ में इन जनरल आपको कैसे आप अप्रोच करना चाहिए. आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं. आप जैसे आगे आगे जाते हो तो आपको उन लोगों से कैसे डील करना आना चाहिए और लोगों को कैसे पहचानना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो अजिंक्य हाउ डज बींग वाइस कैप्टन चेंज योर लाइफ. डज इट मेक योर माइंड लेस अनसेटल्ड नाउ. डज इट ऐड टू योर कॉन्फिडेंस और डज इट ऐड प्रेशर ऑन यू. It gives me confidence to do well for my country. I take it as a challenge, and I think vice captaincy. Because it establishes your place now. Finally. Yes, absolutely. I mean, I think ये मुझे आई है मेरे hard work के वजह से एक consistency performance के वजह से. So I would like to thank BCCI for this. And I think एक responsibility जब आपको सौंपी जाती है, तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस उसमें और अच्छा होता है और काफ़ी कुछ एक आप आपके कंट्री के बारे में सोचने लगते हो.